हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेक बाइट में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू फाइंड योर लॉस्ट फोन। जी हाँ, अगर हमारा फोन कहीं चोरी हो जाता है या कहीं हमारा फोन गुम हो जाता है तो हम उस फोन को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो आपके लिए लेके आऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे होगा ये कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मोबाइल फोन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा सारा का सारा डेटा फोन पे होता है, सारी चीजें हम फोन से करते हैं। ऐसे में अगर हमारा फोन गुम हो जाता है तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने फोन को कैसे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे आपको google.com पे जाना है। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, मोजिला हो, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम यूज कर रहा हूँ। तो गूगल पे आने के बाद आपको एक चीज टाइप करनी है, फाइंड माई डिवाइस पे जाने के बाद आपको सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। ये आपका गूगल का ही फीचर होता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम अपने फोन पे जब हम कोई नया फोन लेते हैं तो उस पर हम जीमेल की आईडी को कन्फिगर करते हैं। तो जब भी हम अपने नए डिवाइस के ऊपर जब जीमेल की आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपके फोन की जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो ध्यान रहे, आपको यहाँ पे वही ईमेल आईडी देनी है जो कि आपने फोन पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। पासवर्ड एंटर कीजिए। देखिए ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं इसमें आपके पास सबसे पहले जो फोन की इन्फॉर्मेशन आ रही है वो है Redmi Note 4। जी हाँ, मैं Redmi Note 4 यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आप मेरी बैटरी के स्टेटस भी देख सकते हैं, 84% है। ये सारा का सारा आपका लाइव स्टेटस है। लेफ्ट हैंड साइड में दो ऑप्शन है, प्ले साउंड एंड इनेबल लॉक एंड इरेज। मैं आपको एक चीज बताना यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि जब भी हमारा कोई फोन चोरी होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपके फोन को मिसिंग जो सिम है वो निकाल देता है और अपनी सिम लगा लेता है। लेकिन अगर आपकी सिम को निकाल के फेंक भी देता है तब भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास जो होगा वो स्टोर रहेगा। मतलब आप यहां से अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्ले साउंड पे क्लिक करूं तो क्या होगा कि मेरा फोन कहीं मैं अगर रख के भूल भी जाता हूं तो मैं इस ऑप्शन की मदद से मैं अपने फोन को रिंग कर सकता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए अब मैं यहां से स्टॉप करता हूं। देखिए स्टॉप हो गया। अगर फिर से मैं प्ले साउंड करूंगा फिर से प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड फोन को यहां से प्ले कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो एक ऑप्शन है वो है इनेबल लॉक एंड इरेज। मींस अगर मान लीजिए आपके आपका फोन नहीं मिलता है तो उस केस में आप यहां से अपने फोन को लॉक कर सकते हैं और सारा का सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो किसी के हाथ ना लगे। तो ये दो फीचर्स के अलावा आप राइट साइड में एक बहुत अच्छा फीचर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गूगल का मैप है यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम करता हूँ तो आप देखिए कि मेरे जो आसपास के जो एरिया हैं वो शो कर रहा है। मैं एग्जैक्ट मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ वो दिखा रहा है। मैं यहाँ पे देखिए स्ट्रीट नंबर, यानी यहाँ से आप अपने फोन को एग्जैक्ट ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आपका फोन अगर कहीं भी होगा तो आप इस ऑप्शन की मदद से आप अपने फोन को ट्रेस कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हम अपने फोन को ट्रेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।